بسم الحسينية والعبادة السجادية والمآثر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود الدقمية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. चले माला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون رئيس رواته रसूल की खानवादे के जिक्र में शिरकत की हमें तौफीक नसीब फरमाई है। चूँकि ये खानवादा उस आबिद दुलाल की तरह है कि जहाँ जो शय उसमें जम होती जाए वो खुद ब खुद पाक होती चली जाती है। ये फकत ताहिर नहीं है, ये मुताहिर भी है। ताहिर वो कि जो खुद पाक हो, ताहिर वो कि जो दूसरे को तहारत अता कर रहा हो। मिसाल इसकी ऐसी है, एक फिक्री मिसाल दे दो, एक होता है कलील पानी। कलील पानी ये है कि जो खुद पाक तो है लेकिन जब जर्रा बराबर भी नजासत का खतरा मिला तो वो खुद नजस हो जाएगा। इससे बेहतर है कुर्बानी के जिसके लिए खास हजम बयान किया गया, कहीं तीन बालिश कहीं साढ़े तीन बालिश, ठीक है, तीनों डायमेंशंस में, उससे अगर कोई नजासत मिले तो वो नजिस नहीं होगा। सिवाय इसके कि इतनी नजासत मिल जाए कि रंग वो और जायका उसका बदल जाए तब नजिस हो जाए। यानी उसकी एक अपनी हैसियत। फिर एक है समंदर का पानी। समंदर का पानी उसमें अगर कोई नजासत मिल भी जाए तो अगर वो वहां आकर तहलील हो जाए, खत्म हो जाए उसमें, तो वो तो पानी पाक तो रहेगा,
उसे भी पाक कर देगा। मिसाल समझ में आ रही? इस तरह से कभी होता है कुछ मोमिन ऐसे हैं जो कलीम पानी की तरह है, तो मोमिन लेकिन जर्रा बराबर में कहीं शैतान का वसवसा है तो अपनी तहारत को बाकी नहीं रख पाते। जैसे ही कोई मंजर हराम आया, कोई हराम समाज आई, तो अपने आप को बचा नहीं सकते, बाकी नहीं रह सकते, तो कलील पानी की तरह है कि जहाँ भी उन्हें इजाजत मिली तो बस उसके बाद उन्हें खुद मुतसर होना पड़ता है किसी कुर के साथ ताकि पाक हो सके। कुछ ऐसे हैं कि नहीं, वो अकीदे में स्ट्रॉन्ग है, अमल में, तखवा में, तस्किया नफ्स में, वो कुर पानी की तरह है कि जिन तक जब कोई नजासत पहुंचती है तो उन पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी ऐसा है कि जब बहुत यलगार हो जाए तब जाकर कहीं कैफियत आती है कि हो सकता है कदम पे संजा इसने के बारह गैर मासूम है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई मिसाल दी नहीं जा सकती, मैं फकत तकरीब जहन के लिए कह रहा हूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम को यह समंदर का पानी, कोई और आएगा जम हो जाएगा, वो पाक होता जाएगा। सिर्फ एक बात है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुत्ते को ले जाए समंदर में डुबोए, पाक होगा नहीं होगा? समंदर तो पाक रहेगा लेकिन कुत्ता भी नजिस रहेगा, इसलिए कि उसमें लियाकत और ज़र्फियत नहीं है। चाहे कुत्ता समंदर के पहलू ही में बैठा रहे, मैं सफर मार में सही कर रहा था,
अब ऐलान हुआ, आपको पता ही नहीं था, पता नहीं क्या हुजूर ने कह दिया। उस वक्त मैं इबादत में मसरूफ था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे मैदान में रोक लिया, कहीं से कोई भागने ना पाए। यहां पर एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा मैदान कि जहां अब ये वो आखिरी इज्तिमा है, इसके बाद काफिले जुदा हो रहे हैं, यहां ऐलान होगा, जहां पर और मसरूफियत है ही नहीं, कोई और मसरूफियत नहीं, बस ये ऐलान सुनो। और हुजूर के तवील तरीन खुतबों में से है, लंबा खुतबा। अच्छा, इसकी नफसियाती वजह भी है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे हज खत्म होता है तो हाजी वो खाने काबा के चक्कर कम लगाता है, ट्रैवल एजेंट के चक्कर ज्यादा लगाता है। उसको जल्दी होती है कि मैं किस तरीके से नगर पहुंचता हूं, इसलिए कि मक्का में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता, वहां सारे हाजी होते हैं, तो इसलिए वो चाहता है कि मैं जल्दी से घर पहुंचा। इसलिए आप हुजूर को कर्म में कि जब घर पहुंचने का मौका तो हुजूर ने रोक लिया, करो क्या रोके, आप 3 दिन तक रोक के रखा। लेकिन आज का जो जवान है ना, उसके जहन में एक बात, अगर किसी बात को वायरल करना है तो आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, वो वायरल हो जाएगी 2 मिनट में सारी दुनिया में। हुजूर मुकर्रम के जमाने में व्हाट्सएप नहीं है, कोई ट्विटर नहीं है, ये बात वायरल कैसे होगी। हुजूर ने अपने जमाने में तमाम ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स को यूज किया, प्रैक्टिकली अली को दिखाया। एक रिवायत यह भी है कि हुजूर मुकर्रम की जगह तशरीफ फरमाते कि हुजूर ने कुछ आड़ी तिरछे खत खींचे। देखें, सुनने से बात इतनी जहन में नहीं रहती, देखने से रहती है। आड़े तिरछे खत खींचे, उसके बाद फरमाया कि ये सारे खत सारे बातिल हैं, सिराते मुस्तकीम फकत एक है, एक सीधा खत खींचा, कहुआ अली जुबन अबी तालिब। इस तरह से अलग अलग अंदाज से हुजूर ने इस बात को इतना समझाया कि ऐसा ना कि किसी पर हुज्जत तमाम ना हो, समझ में ना आए। तो 3 दिन तक हुजूर ने रोक के रखा। अब 3 दिन तक जब रोक के रखा है तो जब काफिला वापस पहुंचेगा तो जब अपने घर जा रहा होगा तो लोगों को ये मालूम होता था कि अच्छा, यमन का काफिला इस दिन पहुंचेगा, शाम का काफिला इस दिन पहुंचेगा, हिसाब किताब होता था ना, मंजिलें तय होती थी, मदीना वाले इस पहुंचेंगे। सब 3-3 दिन लेट पहुंचे, और जब 3-3 दिन लेट पहुंचे तो सबने पूछा कि कहाँ रह गए थे, हम आपके इंतजार में थे, इसलिए हज का अनाउंसमेंट नहीं किया था। हज का अनाउंसमेंट हो जाता तो मामूल के मुताबिक काफिला पहुंच जाता, कोई सवाल ही ना करता। हाँ, जो छुपाना चाहता वो ऐलान छुपा लेता। खदीर में 3 दिन तक रोक के रखा ताकि अब जब वापस पहुंचो तब सब पूछ रहे हैं कि भैया क्यों 3 दिन से लेट हुए, क्यों ताखिर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने रोक लिया था अली की विलायत के ऐलान पर। तो इस तरह से हुजूर मुकर्रम ने हर जगह अली 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 को हर घर में पहुंचा दिया। ये एक एक शय, एक एक मंसूबा इलाही था, यकीन फरमाइए। तो इस तरह से हुजूर मुकर्रम ने इसका खास ख्याल रखा, तो इसलिए नदीम का इंतखाब किया गया। इसमें बहुत सारी और सैकड़ों वजूहत हो सकती है, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ता है, मैंने फकत इतनी बात आपके सामने पेश कर दी। तो हुजूर के इस अमल में बहुत सारी मसलियतें थी, और फिर हुजूर ने तवील खुतबा भी इरशाद फरमाया, बाद में सहाबा कराम से कहा भी कि आए वो अली को मुबारकबाद दें, अमीरुल मोमिनीन कह के मुबारकबाद दें। अमीरुल मोमिनीन इमाम सादिक इस्लाम ने फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन फकत अली जिन नबी तालिब है। हद तक किसी ने इमाम सादिक इस्लाम को कहा सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन, इमाम ने कहा मुझे ना कहो अमीरुल मोमिनीन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तो खुद खून है अली जिन नबी तालिब, फरमाया मुझे ना कहो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन फकत मेरे चाचा अली जिन नबी तालिब। तो उसने पूछा कि अगर हम आपके कायम को यानी हजरत हुज्जत अजल्लाहु तआला फरजहु शरीफ उन्हें सलाम करें तो उन्हें क्या सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन कहें कर नहीं, उन्हें भी कहो सलाम अलैकुम बकीयत अल्लाह अमीरुल मोमिनीन फकत अली जिन नबी तालिब। उसके बाद इमाम ने अजीब फकरा इरशाद फरमाया, कहा अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा कोई अपने आप को नहीं कहेगा, कबलहु व बादहु इल्ला काफिरुन। जिसे अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलवाने का शौक हो, इमाम ने कहा कि वो अली से पहले हो या अली के बाद हो, वो कुफर पर होगा अगर कोई अली के अलावा अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए। मैं कहना चाहता हूं एक बात, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है, किसी के कुफर का फैसला करना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं पैदा। जवाब दिया, वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन।
حضور نے مولانا علی سے کہا, جبکہ حضور مولا کے بھی امام ہیں, اصل مالک اسلام یہ امیر المومنین ابن عباس وہاں پر تھے, کہ یا رسول اللہ آپ نے امیر المومنین علی کو کہہ کے سلام کیا ہے, یہ آپ نے فقط چچا ساتھ بھائی کی محبت میں کہا ہے یا نہیں, تو وہی نازل ہوئی. حضور نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا تو اے ابن عباس میں نے جنت کے ہر دروازے پر لکھا پڑے گا. سبحان اللہ, یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات دیتے ہیں محمد والے محمد. دیکھیں جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے نا,
वो आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को नहीं माना। क्यों? इसलिए कि उससे पहले अगर कोई मर गए तो मर गए। आदम के ज़माने में जो मर गए वो आदम पर ईमान काफ़ी था, लेकिन नूह के ज़माने में आए तो आदम पर भी ईमान रखो, नूह पर भी रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पहुँचे, अब आदम को भी मानो, नूह को भी मानो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानो, मूसा अलैहिस्सलाम तक आए, अब सबको मानो। ईसा अलैहिस्सलाम तक आए, आदम से ईसा तक सबको मानो। हुजूर मुकर्रम तक आए, आदम से लेकर हुजूर मुकर्रम तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहो। अच्छा, हुजूर ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, नमाज अभी आई नहीं थी, तो अगर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कौन निजात पा जाओगे? उस वक्त जो मर गए ला इलाहा इल्लल्लाह क्या करने जा मिल गई। फिर एक वक्त आया हुजूर ने कहा नमाज भी पढ़ो, अब फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। नमाज का हुक्म आया, नमाज पढ़ के गुजर गए होते जन्नत मिल जाती, अब कहा हिजरत भी करो, हिजरत भी करो। अच्छा हिजरत, अब हिजरत भी करनी है तो हिजरत करके मर गए होते तो काफी था, लेकिन फिर हुक्म आया जिंदा रह गए बदकिस्मती से, क्या करेगा कि जिहाद भी करो। क्या जिहाद भी करो? अब जिहाद भी कीजिए, जन्नत के लिए जिहाद भी जरूरी हो गया। अच्छा जिहाद भी करना है तो उस वक्त फिर मर गए होते तो ठीक था, हुक्म आया रोजा भी रखो तो अब रोजा भी रखे जन्नत के लिए, उस वक्त मर गए होते तो काफी था, हुक्म आया कि ज़कात भी दो, उस वक्त मर गए होते तो ज़कात दे के काफी था, फिर हुक्म आया इसे मौला भी मानो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, अगर अली वलीउल्लाह से तकलीफ थी गदीर से पहले मर गए होते, गदीर तक रह गए, अब क्या करें, मौला भी मानो। तो जब अच्छा नहीं लगा नुमान ने हारिस को, हारिस ने नुमान, उसने आकर ये कहा, दोनों नाम मिलते तारीख में, उसने आकर ये कहा कि ये आपकी तरफ से है तुम्हारी तरफ से बन गए, नौजुबिल्लाह बेअदबी से कहा था, हुजूर से कहा कि अगर तुम्हारी तरफ से है या अल्लाह सफ़रुल्लाह रबी व तुमरे, लोग ये कहते हैं कि अगर गदीर का इतना ऐलान कन्फर्म ऐलान था तो बाद वफात रसूल कैसे हो सकता है कि सहाबा किराम उसको ना माने। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हुजूर के सामने बास थे जो बात मानने को तैयार नहीं थे, आप बात की बात कर रहे हैं, सामने बात मानने को तैयार नहीं थे, अगर अल्लाह की तरफ से इसलिए उनका अजाम ना चलो साफ़िर। एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया और काफिरों पर अजाब करने वाला नहीं है, काफिरों पर क्या हयात है। मौला अली इस्लाम के सिलसिले में जो गदीर के बारे में आयतें नाज़िल हुई हैं उसमें जो मद्द मुकाबिल पर है उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुफ्र से तशबीह दी, फकत एक आयत नहीं है जो आयत एलान इलाह से पहले या बल्लग मौसिल अलैक मिन फलन तफ फमा बल्लग रिसालत वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। आप पहुंचा दीजिए और अगर आपने ना पहुंचाया तो इंसानों को कोई काम अंजाम नहीं दिया, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा और अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत भी किया करता, काफिर का लफ्ज है। फिर जब ऐलान हो गया अल्लाह या इस नसीन कफरु मिन दीनकुम, आज के दिन काफिर मायूस हो गए आपके दीन से, फिर मायूस हो गए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह सुभान व तआला का कलाम है, किसी मौलवी का किसी शायर का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने ऐसा नजीर कफरु मिन दीनकुम, आज के दिन काफिर मायूस हो गए तुम्हारे दीन से, बड़ा तक्षा वाला बख्शा हूँ, बस उनसे न डरता मुझसे डरता फकत। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नि'मती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। माशाल्लाह, यार बच्चे बच्चे को याद, और आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुआ, अल्लाह तुम्हारे दीन से राज़ी हुआ। इससे पहले अल्लाह राजी नहीं था ना, इसका मतलब जिससे अल्लाह राजी हो उसी को रजी अल्लाह कहते हैं, जिस दीन में अली की विलायत है वो दीन है रजी अल्लाह। दीन तो अली के बगैर रजी अल्लाह न बन सके, आप क्या खाक रजी अल्लाह बनेंगे अली के बगैर? तो ये इसलिए
علی سے بلائے حسن تک پہنچی, حضرت حسین تک پہنچی. عشرہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس ولایت کا مطلب کیا ہوگا, علی یا میں لفظ بدل دوں آل محمد کی فقط فضیلت بیان کر دینے پر نجات نہیں ملے گی, ولایت ماننے پر نجات ملے گی. فرق ہے دونوں میں, فرق ہے جانتے کیا فرق ہے؟ دیکھیں کفار بھی حضور کے فضائل پڑھتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں؟ صادق اور امین کہنا حضور کے فضائل ہیں, محمد رسول اللہ کہنا حضور کا حق ہے. فقط صادق اور امین کہنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو. اگر آپ ہو سکتا ہے کہ بہت سے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ سنیں نبی علیہ السلام کے فضائل, بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں فلاں نے تو ایسے فضائل پڑھے ہمارا اپنا بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا, تو بہت اچھی بات ہے ہمارے ساتھ آنکھوں پر جس کو جو توفیق نصیب ہو جائے, جو توفیق نصیب ہو جائے. لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے کہ جو ولایت کو نہ مان رہے ہیں فضائل کو مان رہے ہیں تو آپ فضیلت کو لے لیجیے, شخصیت کو چھوڑ دیجیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں وہ بھی کر رہے ہوں ان کے فضائل پڑھ رہے ہوں جنہوں نے اہل بیت اسلام پر ظلم کیا. تو فقط نجات اس بات پر نہیں کہ فضیلت کو مان لیں, نجات اس بات پر ہے کہ ولایت کو مان لیں. اصل ولایت اور ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے وجود پر اپنے آپ سے زیادہ علی شیر نبی طالب کا اختیار قبول کر لیا, میری آنکھوں پر, میری زبان پر, میری سماعت پر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائیں اور ہماری کتنی آبادیاں ہیں ماشاء اللہ, کراچی میں مومنین کی شیعوں کی بڑی آبادیاں ہیں. ایسے ہی شخص آئے تھے امام کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ والا ہمارے علاقے میں تو بہت شیعہ رہتے ہیں. امام نے جانتے ہو فوراً یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے بڑی شیعہ آبادی ہے. امام نے کہا کہ کیا وہاں پر غنی فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ جو اغنیا ہے وہ فقرا کی مدد کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو کم کم ہوتا ہے. کہ اچھا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی سے بڑھ کر ہو کہ اپنے نفس کو کچل کر انسان کسی کی غلطی کو معاف کرے. یہ گھر میں بہت ضروری ہے, اس لیے آپ ماشاء اللہ سارے یہاں تشریف فرمائیں اور میری ذمہ داری میرے سر پر عوام ہے مجھے آپ تک میسج پہنچانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ چیریٹی میڈیا سے ہوم سارا معاملہ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر فرض کیے کہ وہ غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے, میرے مولا جی نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہا اگر تمہارا کوئی دوست اور یہاں پر آپ شریک حیات کو بھی شامل کر لیں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کر لو یا اگر تمہارا ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اگر عذر نہ پیش کر سکے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو. کیا کہنا, اچھا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ ہوتا ہے کہ بس شروع ہو گئے پھر. ارے بھائی مولا نے کہا تھا ہمارا عذر قبول کرو, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ رہنا ہے. ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے واضح؟ تو یہ ہے مولانا اسلام کی ولایت کا مطلب, کہ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار اپنے آپ ختم کر دیا, علی بن طالب اسلام کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہے مولانا اسلام کو مولا ماننے کا مطلب. تو یہ ولایت ویسے ہی امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام حسن کے مطلب صاحب. آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں, جب ہزاروں مرتبہ کا سنا واقع ہے لیکن اسے نتیجہ دے رہا ہوں, جب امام حسین علیہ السلام پوچھتے رسالت پر ہیں تو یہ فقط نواسے کا تعارف نہیں ہے, ہاں یہ اپنے دور کے ولی اللہ کا تعارف ہے. کہ دیکھو یہ ولایت وہ جو قدیر والی ولایت ہے نا, وہ حسین تک پہنچی ہے, وہ حسن حسین تک پہنچی ہے, یہ تعارف اس کا ہے. حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں, نبوت پر امامت موجود ہے, جیسے خدیر میں نبوت پر امامت تھی نا ویسے ہی سجدے میں نبوت پر امامت ہے اور حضور تعارف کروا رہے ہیں. کاش میں اپنی بات بتا سکوں. دیکھیں طالب علم جو ہوتا ہے نا, آپ نے حدیث سن رکھی ہے طالب علم کو کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, حدیث سن رکھی ہے جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں. جو طالب علم سیکھے جس سے اسے استاد کہتے ہیں, استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں, عالم جس کے سامنے زانو عدد طے کرے اسے فقیہ کہتے ہیں, فقیہ جس سے حدیث لکھ سے محدث کہتے ہیں,
मुहद्दिस जिससे हदीस को रिवायत करे उसे रावी कहते हैं, रावी जिससे सीखे उसे तबे ताबेई कहते हैं, तबे ताबेई जिसे देखे उसे ताबेई कहते हैं, ताबेई जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसे देखे उसे नबी कहते हैं, जो नबियों में भी अफजल हो उसे रसूल कहते हैं, जो रसूलों में भी अफजल हो उसे औलुल अज़्म कहते हैं, जो औलुल अज़्मों का सरदार हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके लिए मोहम्मद सजदे से सर ना उठाए उसे हुसैन कहते हैं। देर से गो दैर से पहुंचा,
हाँ अच्छी तरह से मिसरा अपने ज़हन में रखिएगा, काबे की तरफ देर से गोदैर से पहुंचा, शर ने उसे रोका था मगर खैर से पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहबाबा, अस्सलाम वालेकुम या हस्बी अल्लाह व अबदा,
अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा तज़हरा सय्यदत निसाए आलमीन। जहां इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, अंतुम व उम्मी, ऐ शहीदान करबला, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए जिनमें खुद भी शामिल है। क्या अजीम बुलंदी अता हुई, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो जाए। इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से ये कहा था, जब उसने रास्ता रोका था, फतरत तो उनको कहा था, वो तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। फिर मैंने बड़ा सोचा कि कैसे मुमकिन है कि रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हुसैन किसी के लिए क्या बददुआ नहीं किया कि उसकी माँ उसके गम में बैठे ना। हुसैन जानते हैं कि इसकी हिदायत का रास्ता यहाँ से निकलता है कि जब मैं इसे कहूँगा कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तूने ये काम भी किया है, तो इसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा याद आएगी। इसलिए हुसैन ने कहा है, और नबी चढ़ के कहा, ऐ फजल रसूल, अगर मुझसे किसी और ने जुमला कहा होता तो मैं वैसे ही पलट कर जवाब देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी माँ सैयदत निसाए आलमीन है, मैं पलट कर ऐसा जवाब नहीं दे सकता। ये एहतराम ज़हरा हुर को बचा गया था, एहतराम फातिमा ज़हरा। सुभानअल्लाह, एक कोशिश ये होती है कि अशराए मजालिस में कहीं कोई एक रमत बन जाए तो कुछ जिक्र हुसैन की माँ के मसाइल का भी हो जाए। शहादत तो असल में वहाँ से है ना, जब फातिमा दर दीवार के दरमियान आए, जब पहलू शिकस्ता हुआ, जब मौसम मारे गए, जब बीवी की सदा गूंजी, कैफे साहब मुझे संभाल ले, मेरा मौसम शिकम में मार दिया गया। इमाम हसन इमाम हुसैन एक गली से नहीं गुजरते थे मदीना के, पूछा जाता था कि आप यहाँ से क्यों नहीं जाते, इसलिए कि मुझे मेरी माँ की वो शहादत याद आती है, जब मेरी माँ यहाँ से गुजरा करती थी अल्लाहु अकबर, तो लोग जुल्म करके उन्हें मदीना की गलियों में गिरा देते थे। मेरी जरूरत नहीं कि मैं कह सकूँ कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ क्या जुल्म होता था। बिन्त रसूल मुहाफिज़े विलायत है, जब पहलू शिकस्ता हो गया, दरवाजे में एक मीख थी जो आग से गर्म हो गई थी और वो सैयदा के जिस्म के अथर में बेबस हो गई थी। अजब मकाम से मसाइब का आगाज हुआ है। सारे मुहर्रम में ये सुनोगे कहोगे कि हुसैन के मसाइब में फातिमा कुर्सा लेने आई है, आज मैं कह रहा हूँ फातिमा के मसाइब में हुसैन कुर्सा लेने करबला से आए। हुसैन देख रहे हैं कि किनकी आंखों में मेरी माँ ज़हरा के नाम से आंसू है। दक्कुल माँ हुआ तो मामूला बीबी फिस्सा दरवाजा खुला करती थी, लेकिन सैयदा खुद आई, मौला अली के लिए दरवाज़ा खोला। मौला ने फरमाया कि या बिन्त रसूलल्लाह, आपने क्यों ज़हमत फरमाई, आप तशरीफ़ लाएं खुद, क्योंकि पहलू शिकस्ता है। बीबी ने कहा कि या अबुल हसन, मैं खुद इसलिए आई हूँ दरवाज़ा खोलने कि मैंने सुना है कि मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। अगर मदीना वाले आपको सलाम ना करें तो मैं आपको सलाम करूँगी। इसलिए मैं खुद आई हूँ, अस्सलामु अलैका अमीर अल्मोमिनीन। अली ने कहा ज़हरा, तो वो वक्त आ गया कि मदीने वाले सलाम क्या करें, अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। लोग आके कहते थे अली से कि अपनी जौजा से कहो या दिन में रोजा करें या रात में रोजा करें। सैयदा जाती थी, ये जो इमाम बारगाह में तशरीफ फरमा हो ना, ये इमाम बारगाह, हर इमाम बारगाह दुनिया की वो याद है सुन्नत फातिमा ज़हरा, इसलिए कि बीबी जन्नतुल बकी जाती थी, वहाँ बैठ कर रोती थी, इसलिए कि मदीना वाले रोने नहीं देते थे बीबी को। तो सुबह को घर से अजीब काफिला निकलता था, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, दरमियान में ज़हरा, वहाँ मजलिस पढ़ने वाली फातिमा तो ज़हरा, मजलिस सुनने वाले हसन और हुसैन। अब मुझे नहीं मालूम बीबी मजलिस में क्या कहती थी, लेकिन एक जुमला तारीख में आ गया, बीबी कहती थी, बाबा सोबत अलैया मसाया लव अन्ना सोबत अलैया मसिन अलैया, बाबा आपके बाद फातिमा पर इतने मसाइब आए, अगर रोज़े रोशन पर आते तो तारीख रातों में बदल जाते। अजीजों, रोने वाली बात तो अब है, जन्नतुल बकी में रो के ज़हरा आई, एक दिन मौला ने देखा कि चेहरे पर तमासत के आसार हैं, कभी भी आज ये कैफियत क्यों है, कहे अली जिस दरख्त के साये में बैठ के रोती थी, ज़ालिमों ने वो दरख्त
جسے بیت الحزن کہتے تھے, جب امام بارگاہ میں بیٹھ کر رو تو یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے. بس مجھے جانا ہے کربلا تک, جب زہرا رخصت بھی ہوئی نا تو علی جیسا بہادر شخص غسل دیتے ہوئے سب نہیں کر سکے والا, فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. شہزادی زینب نے پوچھا کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ جن میں سادات تشریف فرما ہے میں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مولا علی کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا ابا الحسن قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ ان کی ماں زہرا نے انہیں سلام کہا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے مسائل پڑھتے ہوئے جملہ کہا کہ جتنی زہرا کی اولادیں ہیں انہیں چاہیے کہ فرش ادا پر آئے اور آ کر کہیں کہ اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا, ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش ادا پر آئے ہیں, اے بی بی ہمارا سلام قبول کیجیے. شہزادی زینب نے کہا کہ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ بیٹی آپ کی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے, وہ نشان زہرا نے علی سے بھی چھپایا تھا. میرا دل کہتا ہے کہ بی بی زینب نے گریہ شروع کیا ہوگا لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا, کہاں ہے رونے والے, لیکن تجھے تو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اللہ جانے زینب نے کتنے باپ میرے تاکہ
एक जुमला बाकी और उसके बाद होर खुद गए और होर जब बेपनाह जंग के बाद जमीन कर्बला पर गिरे, हुसैन पहुंचे होर अलैहिस्सलाम को लेने के लिए। अभी कुछ रमक बाकी थी, होर की पेशानी पर किसी जालिम ने पत्थर मारा था, खून निकल रहा था। हुसैन ने कहा था ना, ऐ होर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। अब हुसैन को उसका बदला अदा करना था, होर तौबा कर चुके थे। होर तेरी माँ बड़ी अच्छी थी कि जिसने तेरा नाम होर रखा। दूसरी मोहर्रम अल हराम में
عجب گریان قیامت کا چلے بی بی فاطمہ کی خدمت میں سلام اللہ علیہ توسل کرتے ہیں بس اس سے بڑا وسیلہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا دعا کی قبولیت کا موقع نہیں ہو سکتا جس کے دل میں جو حاجت ہے جو غم ہے یا فاطمہ الزہرا اشفع لنا عند الله